खोदावंदपुर बेगूसराय बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के सीमन चौक के समीप बेगूसराय रोसरा मुख्य सड़क SHA-55 पर पूर्व से सड़क किनारे खड़ा ट्रक में बाइक सवार युवक ने पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे वह ट्रक के अंदर जा घुसा। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने जख्मी दोनों युवक को इलाज के लिए खोदावंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने देखते ही बाइक चालक युवक को मृत घोषित कर जबकि घायल युवक का इलाज शुरू किया। मृतक की पहचान खोदावंदपुर वार्ड 7 निवासी घूरन दास का पुत्र 18 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में किया गया है, जबकि घायल युवक की पहचान उसी वार्ड के महावीर दास का पुत्र सरोज कुमार के रूप में किया गया है। सरोज कुमार को प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया। सूचना पाकर पहुंची खोदावंदपुर थाना अध्यक्ष सुधीन राम सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। इधर मौत की खबर सुनते ही हॉस्पिटल में मृतक के स्वजन सहित ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। भीड़ उमड़ने पर अपने जवान बेटे की लाश को देखकर मृतक के स्वजन दहाड़ मारकर रोने लगे, जिससे पूरा अस्पताल परिसर में मातृ छाया हुआ था। हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष सुधीन राम ने घटना की पुष्टि की है। जैसे हमें पता चला, हम दूसरे जगह थे, पता चला कि रोड एक्सीडेंट हुआ करवा पोखर के सामने। वहाँ से जब हम लोग वहाँ पे आए तो पता चला क्या कि हॉस्पिटल पहुँच चुका है। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर साहब देखे तो इनको मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम था? मनीष कुमार। पिता का नाम? घोरन दास। घर? घर खोदावंदपुर वार्ड 7।